हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सही गाड़ी पर। आज मैं हूँ ह्युंडई वेन्यू के अंदर तसव्वुर जी के साथ, जिनसे हम सारी बातें इस ह्युंडई वेन्यू SX टर्बो के बारे में जानेंगे और इन्होंने क्यों ली वो सबसे पहले जानते हैं। तो तसव्वुर जी, आपने ये ह्युंडई वेन्यू ही क्यों ली? काफ़ी इंटरेस्टिंगली ह्युंडई वेन्यू के बारे में जब मैंने कार्स के रिसर्च करना शुरू किया था तो आई नेवर रियली थॉट दैट आई मतलब मैं ह्युंडई वेन्यू लूँगा करके, क्योंकि मेरे बजट्स भी जो थे वो काफ़ी फ्लूइड थे। मैंने सोचा था कि मैं वैल्यू फॉर मनी की साइड से अप्रोच करूँगा कार की परचेज करना। तो बहुत पहले मैंने स्टार्ट ऑफ किया टाटा पंच से, अच्छा पर लेकिन जब टाटा पंच को मैं देख रहा था तो बहुत सारी चीज़ें मुझे मिसिंग लगी फीचर सेट में। देर आर सर्टन वो कॉम्प्रोमाइज उन्होंने कर रखे हैं, जैसे एक सबसे बेसिक चीज़ जो है आर्म रेस्ट गाड़ी में वो भी नहीं है। टाटा पंच में टॉप एंड हाँ वर्जन में भी जाओ तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ऑफ पुटिंग था, बिकॉज फॉर मी ऐसा पर्सनली मैं हमेशा आर्म रेस्ट बहुत यूज़ करता हूँ। तो फिर ऐसा होगा कि और कितने भी फीचर्स दे दो, पर वो मुझे लगा कि सबसे बेसिक फीचर है जो कि एटलीस्ट मेरे लिए एज ए यूज़र एज अ कार ड्राइवर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए था। सो फिर बाद में उस ऑप्शन से जब मैं आगे बढ़ा, मैंने एक थोड़ा कॉम्पैक्ट सेगमेंट में एंट्री लेवल की कार्स देखी। निसान मैगनाइट है और रेनॉल्ट की काइगर है, उनमें भी काफ़ी अच्छे फीचर्स थे फॉर द प्राइस दे ऑफर। आपको अराउंड 12 लाख में उनकी टॉप वेरियंट भी मिल जाती है, लेकिन निसान मैगनाइट और अपनी रेनॉल्ट काइगर, इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे फीचर सेट बहुत ही मिनिमल डिफरेंस है। सो बेसिकली उसमें जो है ना, जो ड्राइविंग टेक्नोलॉजी है जो हम जिसे हम वेरियस अगर ऑटोमेटिक कार्स की बात करो तो आप देखोगे कि EMT एक एज एन ऑप्शन आजकल आपको ये बहुत ज़्यादा सुनने में मिलता है, पर उसी के साथ दूसरी ऑटोमेटिक में देर हैज़ बिन रिविजन्स और बेटर फीचर्स आ गए हैं, जैसे कि CVT बोलते हैं। मैग्नाइट में, काइगर में आई थिंक CVT ही मिलता है। करेक्ट, CVT ही मिलता है, एंड उसके बाद एक IMT है और एक DCT है राइट। जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। तो जब मैंने इन्हें ड्राइव किया तो एक्सपीरियंस मेरे को EMT से तो काफ़ी बेहतर लगा, लेकिन देन आई गॉट टू नो कि भाई देर आर कार्स जैसे कि खास करके ह्युंडई वेन्यू है, किया सॉनेट है, जिसमें आपको DCT भी मिलेगा एज एन ऑप्शन। मिलेगा। तो व्हेन आई ट्राइड DCT को चलाना आई वाज माइंड ब्लोन कि जो ट्रांजिशन है अपना फर्स्ट सेकेंड और थर्ड गियर, इन्हीं में आपको फील होता है। AMT में जो है आपको एक जर्क आता है, लैग आता है। ऐसा होता है कि जब आप फर्स्ट से सेकेंड में ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, आप एक्सीलरेटर मारोगे तो थोड़े टाइम के लिए पावर का लॉस हो जाता है कम्प्लीटली, और फिर वो जब गियर शिफ्ट होता है तभी वो किक इन होता है, तो आपको एक जर्क आता है, क्योंकि फिर वो एक लैक ऑफ पावर की वजह से थोड़ा सा इनर्शिया वही हो जाता है। समझो आप 10 पे जा रहे थे तो 10 का होता है, फिर अचानक से वो जब लगेगा और 20 की स्पीड होने लगेगी तो आपको झटका लगेगा। सो वो मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था। CVT में वो काफ़ी हद तक कम है, स्मूदर हाँ एक्सपीरियंस है, पर DCT में इट्स लाइक कि ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, पता ही नहीं चलता। तो हेंस आई डिसाइडेड कि ओके यू नो आई आई शुड परहैप्स बी गोइंग फॉर समथिंग लाइक अ वेन्यू और अ सोनेट जिसमें DCT का ऑप्शन हो, क्योंकि इनकी मिड वेरियंट्स जो है वो काइगर की जो टॉप वेरियंट थी 12 लाख है, इनकी 13 लाख में आपको मिल जाती है, DCT वेरियंट आपको मिल जाती है। सो देन आई थॉट कि वाई नॉट स्पेंड जस्ट 1 लाख एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे ये 1 लाख की सिर्फ बात नहीं है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मुझे लकीली वॉज पॉइंटेड आउट बाई फ्रेंड्स, पीपल काइंड टेंड ऑफ टेंड टू मिस आउट ऑन इट। डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल क्या चाहता है। गाड़ी लेके बहुत लोग उसको 7, 8, 10 साल भी चलाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं वो 5 ईयर्स के बाद दे शुड सेल ऑफ द कार। तो फॉर मी पर्सनली एक्चुअली जब मैंने गाड़ी लेने का स्टार्ट किया था डिसीजन मेकिंग, तो मैंने स्टार्ट ऑफ किया था कि ये सोचते हुए कि मैं एक EV व्हीकल लूँगा, इलेक्ट्रिक हाँ व्हीकल, तो टाटा नेक्सॉन मैंने बुक की थी। लेकिन उसकी वेट टाइम इतनी लंबी थी और सब्सिडी के अराउंड इतना कन्फ्यूजन था कि आफ्टर वेटिंग फॉर अराउंड 3 मंथ्स उसके बाद भी उस पर कोई क्लैरिटी नहीं थी कि कब गाड़ी आएगी मिलेगी, प्लस उसकी सब्सिडी कब मिलेगी। सब्सिडी की वजह से बहुत ही मेसअप हुआ इसके अराउंड। सो फाइनली आई डिसाइडेड टू जस्ट गिव अप, गेट अ पेट्रोल कार, थॉट कि उसको 3 से 5 साल चलाऊंगा, क्योंकि टाटा नेक्सॉन EV भी जो है वो मार्केट में आके 2 साल हो गए हैं, एंड 2 साल में उन्होंने डिज़ाइन चेंजेस, फीचर अपग्रेड्स कुछ नहीं किए थे। सो आई थॉट कि अभी 1 साल 2 साल में शायद बैटरी टेक भी बदलेगी। अभी लिथियम आयन टेक पे चलती है बैटरीज, एंड
एंड सॉलिड स्टेट बैटरीज है जो कि टोयोटा और टेस्ला निकालने की कोशिश कर रही है, वो आने के बाद जो आपको माइलेज मिलती है जो कि अभी टॉप एंड पे अराउंड 450 है, हाँ, वो भी बताया हुआ है कि 450 चल जाएगी, बट हाँ जो कि उतनी चलती है नहीं, तो अगर आपको लॉन्ग ट्रिप्स करने वो कम्प्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर हो जाता है, क्योंकि ये रेंज एंग्जाइटी जो है वो काफ़ी हद तक मतलब इज़ अ रियल थिंग। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब अगर यू नो इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू गेट, एक दो साल में शायद ये सॉलिड स्टेट बैटरीज आ जाएंगी, तो आई शुड गेट अ पेट्रोल कार। सो बेसिकली ये सारे जो फंडे मैंने आपको बताए कि यू नो कैसे मैं पंच से फिर आगे जाता गया, एंड मेरे लिए ये भी था कि पेट्रोल कार से मैं शायद ईवी कार में ट्रांजिशन करना चाहूँगा 3-4 साल में जब बैटरी टेक नहीं आ जाएगी। सो आई डिसाइडेड कि ओके फॉर मी ऐसा है कि ये गाड़ी शायद मुझे किसी हद तक बेचनी भी पड़ सकती है, सो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड कि आई विल गो विथ अ बेटर ब्रांड। सो इस वजह से निसान मैग्नाइट और रेनॉल्ट काइगर जो है वो आउट हो गए, क्योंकि उनकी रीसेल वैल्यू अनफॉर्चुनेटली इतनी नहीं है। फिर उसके बाद लेकिन अब आप देखो जैसे कि निसान मैग्नाइट है और काइगर है, ये दोनों भी सिस्टर कंसर्न है, तो उनकी गाड़ियां सेम प्लेटफॉर्म पे बेस बिल्ट है, प्लेटफॉर्म बोलो चैसी बोलो, बस आउटसाइड का जो शेल है एक्सटीरियर शेल और फीचर्स में आपको थोड़े बहुत डिफरेंसेस मिलेंगे, प्राइस में भी इट्स लाइक द सेम। सो वैसे ही किया सोनेट और ह्युंडई वेन्यू में द प्लेटफॉर्म दैट इज बिल्ट ऑन इज द सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, मैं आपसे पूछने वाला था कि किया सोनेट क्यों नहीं, फिर वेन्यू क्यों, थोड़ा स्पोर्टी लुक आ जाता है किया सोनेट में तो, और अभी तो किया के बोलवाले भी बहुत चल रहे हैं। राइट, इसके दो रीजन है बेसिकली कि मैंने वेन्यू को क्यों प्रेफर किया किया सोनेट के ऊपर। पहले तो मैंने ऑब्जेक्टिवली ट्राई किया कि आप सोनेट और वेन्यू को ही कंपेयर करें, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। तो जब सोनेट और वेन्यू को मैंने कंपेयर किया तो इसकी इंजन की ट्यूनिंग वेन्यू की मुझे मार्जिनली बेटर लगी इन टर्म्स ऑफ द गियर ट्रांजिशंस एंड एवरीथिंग। मैंने क्या किया कि इन दोनों गाड़ियों को सेम डे राइट आफ्टर द अदर चलाया। तो पहले मैंने सोनेट को टेस्ट ड्राइव किया, फिर मैंने वेन्यू की किया, फिर मैंने सोनेट की किया, और फिर मैं रुक के एक दिन बाद आफ्टर 24 आवर्स फिर से किया कि कहीं रोड कंडीशंस की वजह से कुछ मुझे ऐसा ना लगा। तो ये जब मैंने दो दो बार दोनों गाड़ियों को टेस्टिंग की, आई वॉज कन्विंस्ड दैट द ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ वेन्यू इज अ लिटिल स्मूदर इन टर्म्स ऑफ गियर ट्रांजिशंस। बाकी अदरवाइज द कार्स आर वेरी सिमिलर, लेकिन जो डिजाइन एस्थेटिक्स है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आई थिंक फॉर एवरी वन, मेरे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है वो। सो उसकी एक्सटीरियर जो है किया सोनेट की इज आई वुड से बेटर देन दिस। व्हेन आई से बेटर मतलब उसमें डिजाइन एस्थेटिक्स पे काफी ध्यान दिया हुआ है। वेन्यू में डिजाइन के टर्म्स में उन्होंने काफी सेफ खेला है, राइट, देयर इज नो नथिंग फ्लैशी अबाउट द डिजाइन ऑन द वेन्यू। इट्स सारे उसके एंगल्स जो है इट्स प्लेटली लीनियर, बट वेर एज सोनेट जो है जैसे आपने कहा काफी स्पोर्टी लुक होता है। सो दे हैव एक्सपेरिमेंटेड एंड मेड इट लुक रिच एंड इट इज लाइक इट लुक्स एक्साइटिंग एज वेल फ्रॉम अफार। तो वो चीज़ काफ़ी थी मेरे दिमाग में और मैं सोचा कि ओके यार सोनेट काफ़ी बेटर दिखती है एंड मे बी यू नो फॉर समवन लाइक मी द लुक इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। बट एट द सेम टाइम जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो आप गाड़ी के अंदर बैठोगे ना कि गाड़ी के बाहर, और गाड़ी चलाते हुए आपका जो डैशबोर्ड है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिट। सोनेट में आई थिंक समहाउ उन्होंने एक पायलट के कॉकपिट को यू नो रेप्लिकेट करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से उसका डैशबोर्ड काफ़ी क्लटर्ड हो चुका है। वो मुझे काफ़ी पुट ऑफ करने वाली बात लगी कि यू नो आई कैन नॉट गेट यूज टू द बटन्स वाइल ड्राइविंग द कार, क्योंकि देर आर सो मेनी बटन्स ऑन द डैशबोर्ड। वेर एज वेन यू लुक एट द डैशबोर्ड ऑफ अ वेन्यू इट्स क्वाइट सिंपल, इट्स प्रेटी नीट एंड क्लीन, एंड हेंस इट्स वेरी इजी टू कंट्रोल वाइल ड्राइविंग। सो ईज ऑफ कन्वीनियंस, ड्राइविंग कन्वीनियंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर पीपल हु वॉन्ट टू ड्राइव फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस। सो इंटरसिटी इंटर स्टेट ट्रैवल जो है मैं काफ़ी ज़्यादा करता हूँ, सो हेंस मेरे लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर था। सो दैट अब ये कार के डिफरेंसेज और या कार के कंपेरिजन हो गए। उसके ऊपर एक फाइनल जो था जो कि काफ़ी ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट है या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वेन्यू जो है वो ह्युंडई की कार है और सोनेट जो है किया की। किया इन द मार्केट इज अपकमिंग, नो डाउट अबाउट दैट, बट स्टिल जो रीसेल वैल्यू आपको मिलेगी फ्रॉम अ ह्युंडई वर्सेस अ किया विल बी मच हायर। सो इस वजह से यू नो दैट डिसीजन वॉज मेड ईजियर फॉर मी, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज बिटवीन द टू, एंड हेंस आई फाइनली वेंट फॉर अ ह्युंडई वेन्यू। और ह्युंडई वेन्यू में पहले मैंने स्टार्ट किया था ये सोचते हुए कि मैं एक मिड वेरिएंट लूँगा डीसीटी में, लेकिन फिर आई काइंड ऑफ
आफ्टर लुकिंग एट अ लॉट ऑफ अदर रिव्यूज कि आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं जब आप एक लेवल अपग्रेड करते हो. एसएक्स है, एसएक्स ऑप्शनल है, तो ये मेरी जो गाड़ी है वो टॉप एंड एसएक्स ऑप्शनल है. डीसीटी ऑफ कोर्स, टर्बो डीसीटी. सो इसके जो फीचर्स हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, एयर प्योरीफायर है, देयर आर सिक्स एयर बैग्स, देयर इज अ मून सनरूफ. सो बेसिकली ये जो है एडिशन ऑफ 1.6 लाख पे, आई थॉट इट वाज वर्थ वाइल टू हैव दोज एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स इन द कार. एंड आई थॉट इट एड्स अ लॉट ऑफ कन्वीनियंस कि आप यू नो ऐप से अपनी कार को कंट्रोल कर पाओ. अगेन इट्स अ इंडिविजुअल प्रेफरेंस, मैं ये कहूँगा कि बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि ये जो फीचर्स है काफी एक्सपेंसिव है. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग, मतलब अगर किसी को लग रहा है कि 1.5 लाख खर्चा करने में ये सारे फीचर जो है मैं यूज नहीं करता, तो उनके लिए वो सही है. लेकिन जिनको लगता है कि वो ये सारे फीचर्स एक्टिवली यूज करेंगे, देन यू शुड गो फॉर इट. सो यू कैन कंसिडर इट, यू कैन एक्सपीरियंस इट एंड थिंक अबाउट इट, यू नो कि क्या आपकी डेली लाइफस्टाइल में वुड यू वांट टू यूज दीज काइंड ऑफ फीचर्स, एंड इफ द आंसर इज अ रिजाउंडिंग यस देन यू शुड गो फॉर इट. आई थिंक यू विल ओनली एंजॉय. एक आपका ये भी होता है कि गाड़ी लेने से वो, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा स्पेंड करते हैं कार पे, हाउ मच डज द कार मेक यू हैप्पी is also an important factor. अब वो 1-2 लाख extra खर्च करने से आपको कुछ चीजें ऐसी मिल रही है जो आपको खुश करती है, या you know you can perhaps show off to your friends. I mean that is an excellent value proposition, right? So yeah. So जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ईवी के बारे में भी आप सोच रहे थे, तो मेरे हिसाब से वो बहुत बुरा डिसीजन आपका होता. ऐसे नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों कि ईवी नहीं लेनी चाहिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने अभी अभी गाड़ी ली है और ये दिल्ली से पुणे आ गए हैं इस गाड़ी को लेकर के. सो ये पॉसिबल नहीं होता शायद उस ईवी के साथ, तो कभी भी बिल्कुल भी नहीं. मैं आया था दिल्ली से मुंबई पहले, व्हिच वाज अबाउट 1600 किलोमीटर्स, एंड फिर उसके बाद मुंबई से पुणे, व्हिच इज अनदर 250 to 300 किलोमीटर्स. सो आप देखोगे तो मैंने लिटरली 1800-1900 किलोमीटर चला लिए. सो 1900 किलोमीटर चलाने में अगर आप ये कंसिडर करोगे कि टाटा नेक्सॉन ईवी या एमजी ZS ईवी आपको 450 की माइलेज देती है, तो आप फास्ट चार्जर यूज करोगे तो वो 6 घंटे का वेट टाइम है गाड़ी को फुल चार्ज करने का. तो वो मेरे ड्राइविंग में एड हो जाते उतने आवर्स, और मेरी जर्नी फिर उतनी ही लंबी हो जाती है. एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि इस जर्नी में आपको रेस्ट करना है, आप एक चार्जर ढूंढ रहे हो और वहीं पे आपको रहने के लिए भी जगह मिल जाए कि आप रेस्ट कर लो. सो वो सारी चीज़ें एक साथ एक टाइम पे होना इज़ वेरी डिफिकल्ट. 90% ऑफ द केसेस में ऐसा होगा कि आपको एक चार्जर मिलेगा जो कि एम्प्टी है, आप वहाँ पे 6-8 घंटे गाड़ी अपनी खड़ी करके चार्ज कर सकते हो, फिर आप जाओगे कहीं सोने के लिए, जगह ढूंढने के लिए. सो दैट विल एड अप. जो मेरी जर्नी है मैंने 2 दिन में कंप्लीट की है. आई थिंक ये अगर मैं ईवी लेके करता और अगर वो अनफॉर्चुनेटली चीजें कोइंसाइड नहीं होती कि मेरे को सोने के लिए भी एक यू नो रूम या होटल वहीं पास में है और चार्जिंग का ये भी जो है वो साथ में है, वो अगर कोइंसाइड नहीं होती तो आई वुड हैव टेकन 4 डेज टू गेट हियर, व्हिच वुड हैव बीन अ प्रीटी लॉन्ग जर्नी. सो या अच्छा, मैं मेरे 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं अभी कि पहली बात, सोनेट में ऐसे कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो वेन्यू में है बट सोनेट में नहीं है, सोनेट में है जो वेन्यू में नहीं है. जैसे अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मुझे पीछे से हवा नहीं लग रही है. सोनेट में वेंटिलेशन होता है, वेंटिलेटेड सीट्स. हाँ, वेंटिलेटेड सीट्स होती है, तो वो एक चीज मैं यहाँ पर मिस कर रहा हूँ. लेकिन दूसरी चीज मुझे आपके स्टीयरिंग पर दिख रही है कि इसमें पेडल शिफ्टर्स हैं, जो सोनेट में बहुत ज्यादा मिस करते हैं. आप डीसीटी चला रहे हो तो कभी ना कभी, देखो अगर इको मोड पे चल रहे हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है. मैं सोनेट का इको मोड बहुत ज्यादा चलाया है और मुझे पता है कि वो कितना ज्यादा लैगी है. तो स्पोर्ट्स मोड पे चल रहे हो तो फिर मैनुअल पे चल रहे हो तो आपको मजा आता है. आपने पेडल शिफ्टर्स इस्तेमाल किए? जी, मैंने पेडल शिफ्टर्स यूज किए हैं. पेडल शिफ्टर्स मेरे लिए ऐसा लगता है कि, मतलब मेरे एंगल से ऐसा लगता है कि यू नो आपको मैनुअल का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट? सो आपको पता होना चाहिए कि गियर्स आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, क्योंकि पैडल शिफ्टर्स आप यूज करते हुए इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट स्मूथली, क्योंकि पैडल शिफ्टर्स का एक अपना लर्निंग कर्व है, राइट? इफ यू आर नॉट एबल टू यूज इट स्मूथली तो आपका एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. बट फॉर पीपल हु वॉन्ट टू स्पेशली यू नो हैव दैट थ्रिल, क्योंकि 1.0 टर्बो इंजन है, राइट? सो ये ट्यून्ड अप इंजन है एंड यू कैन एक्सेलरेट रियली फास्ट. सो दैट्स व्हेन आई सी माइसेल्फ यूजिंग इट, कि जब आपको एक्चुअली मैनुअल पे स्विच करके यू वॉन्ट टू रियली यूज द पावर ऑफ द इंजन.
क्योंकि जो ऑटोमेटिक शिफ्टिंग है दैट इज ऑल्सो डन कीपिंग इन माइंड कि आपकी इंजन को बर्नआउट ना करे ट्रांजिशन करते हुए, तो वो ट्रांजिशन हमेशा स्मूथ होंगे, यानी कि एक्सीलरेशन जो है आप स्पोर्ट्स मोड में भी उतना नहीं होता जितना आप मैन्युअल में कर सकते हो. सो ये एक डिफरेंस है. बाकी अदरवाइज इन माय एक्सपीरियंस जो है, जबकि मैं समझता हूँ और मैनुअल मोड या इसमें मैंने मैनुअल में यूज भी किया पैडल शिफ्टर्स यूज करके, बट आई रेयरली यूज इट एंड पीपल हु आर यूजिंग सोनेट आरंट रियली मिसिंग आउट ऑन अ लॉट इफ आई एम बीइंग एंटायरली ऑनेस्ट. सो दिस इज ओनली फॉर सिचुएशंस जब आपको यू नो गाड़ी का जो इंजन का पावर है फुली यूटिलाइज करना है, ये तभी आप करोगे. एंड आई डोंट रियली थिंक सो कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जब आपको गाड़ी का जो पावर है फुल पोटेंशियल पे यूज करना है मैनुअल पे शिफ्ट होके, अनलेस आप ड्रैग रेसिंग कर रहे हो व्हिच यू शुडंट बी डूइंग एनीवेज. सो और भी चीजों की बात कर लेते, जैसे कि आपको स्पेस वगैरह कैसा लग रहा है गाड़ी का और सस्पेंशन क्या बोल रहे हैं गाड़ी के. सोनेट और वेन्यू के कंपैरिजन में मुझे सोनेट का जो सस्पेंशन था काफी कंफर्टेबल लगा था. अच्छा ठीक है. बिकॉज आई टेस्ट ड्रोव बोथ द कार्स इन अ सिटी एनवायरमेंट. लेकिन वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज कि इसका जो हार्ड कुशनिंग है या जो हार्ड सस्पेंशन है ऑन द हाईवेज ऑन लॉन्गर जर्नीज इज क्वाइट कंफर्टेबल फ्रॉम अ वेन्यूज पर्सपेक्टिव. बिकॉज वो गाड़ी उतनी मोशन जब होती है, इट्स ऑल्सो द मोशन दैट अ कार गोज थ्रू वाइल द सस्पेंशन इज एक्टिवली बींग यूटिलाइज, तो उसका एक डिसकम्फर्ट होता है बॉडी पे जो कि लॉन्ग ड्राइव्स में इज नॉट रियली फेवरेबल. आपको सिटी में ड्राइव करते हैं वो काफी कंफर्ट लगेगा, लेकिन जब आप हाईवेज पे ड्राइव कर रहे हो और आप 10-10 12-12 घंटे गाड़ी में बैठे हो तो वो तब जाके आपको अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है उस सस्पेंशन के साथ रोल वर्ड यूज नहीं करूंगा पर मूव होती है, राइट. इस वजह से सो ये है मेरा थॉट. सो इसके सस्पेंशन आप ऐसे गुड गुड बोलोगे? या इट्स नॉट बैड, इट इज गुड इन फैक्ट. एंड मैं पर्सनली बिकॉज आई एम सी अगेन ये एक डिफरेंस आ जाता है, राइट. अगर जो कि ज्यादा प्रोमिनेंटली सिटी में ही ड्राइव करने वाला है तो उनको वो कंफर्ट ज्यादा सोनेट जैसे सॉफ्ट सस्पेंशन में लगेगा, राइट. क्योंकि उनकी ड्राइव जो है इतनी लॉन्ग नहीं है. पर जो कि ज्यादा लॉन्ग ड्राइव्स कर रहे हैं, जो ज्यादा हाईवेज पे 10-12 घंटे चला रहे, उनकी बॉडी इतना मूव ना करे तो वो सस्पेंशन उनके लिए बेटर है, व्हिच इज दिस फाइन बैलेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड suspension that is a setup on Venue by default. Okay. And space की बात कर लें, गाड़ी का space वगैरह आपको कैसा लग रहा है, मतलब जिस हिसाब से गाड़ी लेते हैं तो rear seat पर आप कभी बैठे हो अभी तक? हाँ हाँ, fortunately मतलब friends colleagues have tried the car, I have sat. इसमें बड़ा ही interesting experience था जो कि I couldn't really believe क्योंकि Venue जो है compact size car है. Right, it's called a compact SUV. It's not like a mini SUV. आप Aster की बात कर लो, MG Aster. तो उसमें जो है उसकी seats, जब मैंने उसे test drive की थी and we drove it. मेरे friend ने भी एक ली है MG Aster. तो उनकी जो है back seat में if you're sitting for longer duration, longer duration मतलब आधे घंटे अगर आप बैठ जाओ तो आपको thigh support important होता है. जो कि एस्टर में मिसिंग है. एंड ये छोटी कार है वेन्यू, उसमें यू गेट प्रॉपर थाई सपोर्ट. सो विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि यार छोटी गाड़ी होते हुए भी इट हैज यू नो दैट काइंड ऑफ अ डिजाइन विच इंश्योर्स दैट देयर इज थाई सपोर्ट. ओके. सो अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि कितना दे रही है. कितना देती है? मारुति, हाँ मारुति वालों ने काफी इस टर्म पे बहुत स्ट्रेस अपॉन किया है. सो इन द सिटी इफ टोटली डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइविंग स्टाइल कैसी है. जब आप यूज करते हो एक AMT ऑटोमेटिक व्हीकल को, अब वो AMT हो, CVT हो, DCT हो, जितने एक नेचुरल है जितने गियर का ट्रांजिशन होगा उतना ही आपका माइलेज कम होगा. सो ये गाड़ी जो है वेन्यू मेरे दो फ्रेंड्स के पास है, उनको एक को मिल रही है 8 की माइलेज, दूसरे को मिलती है 10 की. ऑब्वियसली सिटी में वेरी करती है, पर ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप कार की स्पीड थोड़ी कंसिस्टेंट रखें जिसमें मिनिमल चेंजेस हो गियर में, तो आपको अप टू 12-13 की माइलेज भी मिल जाएगी इजीली सिटी में. सिटी में आई हैव बीन एबल टू गेट इट
प्लस लेकिन आई इंश्योर दैट आई एम ऑलवेज ड्राइविंग इन द इको मोड. और ये नई गाड़ी है अभी, करेक्ट, ये ब्रांड न्यू भी नहीं हुआ है, करेक्ट, फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुआ है. सो व्हाट यू आर सेइंग आल्सो मींस दैट कि फर्स्ट सर्विस होने के बाद यूजुअली माइलेज बढ़ जाती है. सो मे बी आई गेट लकी और ये मेरे को 15-16 की माइलेज दे, बट ऑनेस्टली आई एम नॉट रियली बैंकिंग ऑन दैट, बिकॉज अगर आप ले रहे हो DCT या एनी ऑटोमेटिक कार तो ये तो आपको मानकर ही चलना चाहिए कि आपको 12 की एक अराउंड स्टैंडर्ड माइलेज मिलेगी. सो ऑन द सिटी रोड्स इट्स अराउंड 12-14. ऑन द हाईवे नाउ दैट आई हैव ड्रिवन फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, बॉम्बे टू पूना, मुझे इजीली बिटवीन 26-28 की माइलेज मिली है. 26-28 की माइलेज मिली है, 28 किलोमीटर पर लीटर, which is fabulous. Cruise control पर चल रहे थे या फिर आप? मैं खुद manually चला रहा था. उसके बावजूद भी आपको? उसके बावजूद मुझे 26 to 28 मिल रही थी. I'm pretty sure cruise control use करने पे आप 30 easily touch कर लोगे. क्योंकि उस पर transition और कम हो जाएंगे, वो correct एक ही speed पर maintain कर लेगा. कर लेगा. Okay. तो दोस्तों ये है तसव्वुर जी, जिन्होंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया अपनी गाड़ी का. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, कुछ भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना यार. Thanks. Thank you.